नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर शेखावटी, एक सुप्रसिद्ध जलाशय, बड़ा जो यहाँ आसपास के एरिया का फतेहपुर शेखावटी का सबसे बड़ा जलाशय है। ये इसको जोड़ा बोलती है, जोड़ा आपने ऐसा कभी नहीं देखा है, आप देखिए, हमने भी पहली बार देखा है, तो आप भी आइए। एक बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा है और यहाँ पर पहली फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। शाम का जो समय है उस समय बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का, और जब हरियाली होगी, बारिश हो जाएगी सावन के महीने में, तो आने का बहुत ही आनंद आता है। तो आप यहाँ एक बार विजिट जरूर करें आकर के, बहुत ही शानदार जगह है। और हमारा पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे, कितने दरवाजे वगैरह वगैरह सब बताएंगे आपको, तो आप वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पहली फिल्म की जहाँ शूटिंग हुई थी वहां, और दिखाते हैं आपको यहां का दृश्य। हाय दोस्तों, आज हम आए हैं फतेहपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहां पर ये बड़वा जोड़ा बना हुआ है, यहां आए हैं तो ये NH 11 पर बना हुआ है, जहाँ फतेहपुर से जो सीकर और जयपुर की तरफ जाता रास्ता, लक्ष्मणगढ़ की तरफ जाता है, वहाँ ये जोड़ा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। यहाँ पर पहली फिल्म जो शाहरुख खान की मूवी है उसका एक सॉन्ग है, उसकी भी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो ये बहुत ही कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर और मनमोहक है यहाँ का दृश्य, बहुत ही सुंदर जोड़ा बना हुआ है। यहाँ पर अगर किसी भी मूवी या किसी आपने राजस्थान सेंस करती है किसी फिल्म की अगर शूटिंग वगैरह, किसी सॉन्ग की शूटिंग वगैरह करी जाए तो ये बहुत ही देखिए, इसके इतिहास के बारे में तो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, यहाँ पर कोई शिलालेख भी नहीं है जिसके बारे में हम आपको बता सकें। तो ये फतेहपुर का जो बीड़ है, उस बीड़ में ये बना हुआ है। यहाँ पर प्राचीन समय में किसी राजा या महाराजा के द्वारा इसको बनाया होगा, जल की आपूर्ति के लिए इसे बनाया होगा, लेकिन वर्तमान में इसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर खंडर जैसा बना हुआ है, कुछ तो टूट चुके हैं, इसकी मरम्मत वगैरह पूरी, साफ़ सफाई ये भी नहीं है यहाँ की। तो वर्तमान समय में सरकार को इसकी मरम्मत व संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। और ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार सुंदर छतरियाँ बनी हुई, इसके अंदर डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं ऊपर डिज़ाइन जो है, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए, इसके नज़दीक से ये नेशनल हाईवे होकर गुजरता है, और ये हाईवे से जस्ट 10 मीटर की दूरी पर ही बना हुआ है सिर्फ, और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ से जो यात्री जाते हैं वो पर्सनल गाड़ी लेकर बाइक पर, तो वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं और इस सुंदर लोकेशन का आनंद ज़रूर लेते हैं। और शाम के समय में यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं, ये शाम का समय है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जब बीच में ये छतरी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर इस पर नहीं जा सके। देखिए, चारों कोने पर ऐसी छतरियाँ बनी हुई हैं, और इन छतरियों की आकृति बहुत सुंदर है। ऊपर गुंबद बने हुए हैं और अंदर से गुब्बारा नुमा आकृति है इनकी, और अंदर आकृतियों चित्रकला भी बनी हुई है। फिलहाल तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये देखो कुछ शरारती तत्व होते हैं जो जिनके द्वारा देखो इन दीवारों पर नाम लिखे हुए हैं, कुछ कोई ने कुछ लिख दिया, कोई ने कुछ लिख दिया, ये चीज़ें देखो गलत होती हैं। ये जो प्राकृतिक, ये जो अपनी संस्कृति है, इस संस्कृति को अपना बचाना, इसको अपना दायित्व कर्तव्य होता है इनको सुरक्षित रखना। अब इसको हम अपनी ख़राब करेंगे तो फिर तो ये ख़राब हो ही जाएंगी, इसलिए अपन को ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कहीं जगह कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, तो मेरा ये इस चीज़ में सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पर जाए, किसी भी सार्वजनिक जगह में, किसी भी कोई पर्यटक स्थल हो, वहाँ पर कुछ नाव लिखना, कुछ तोड़ना फोड़ना ये नहीं करना चाहिए, इससे ये चीज़ें अक्षतिक तक होती हैं। तो ये कितना पहले के ज़माने में बना हुआ जलाशय बहुत ही शानदार, लेकिन लोगों ने कहीं पे कुछ लिख के ख़राब कर रखा है। कितने डिज़ाइन किया हुआ, कितना टाइम लगा होगा उस समय कारीगरों ने, कितनी मेहनत से बनाया था इसको, तो इस चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और इसकी भव्यता की तारीफ, जितनी तारीफ़ की जाए मेरे हिसाब से उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और ये ऑन रोड ही है, देखो ये छतरियाँ चारों कोने हैं, उन चारों कोनों पे ये छतरियाँ बनी हुई है, सामने से ये रोड जाती है, रोड का ये मनमोहक दृश्य। यहाँ पे
अधिकतर ठीक ठाक बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये सिंगल रोड ये वैसे 4 लाइन नहीं बनी है, बनेगी कुछ समय बाद। तो ये देखो एड्स वगैरह भी किए हैं यहाँ पे फतेहपुर से कवाटी के, इसके बारे में आप देख रहे हो। आपको देखना चाहिए ये चीज़ें, अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको इनकी जानकारी होनी चाहिए अपने को। तो अपने दिखा रहे हैं देखो इस साइड में, ये बीच में एक इसके अंदर पेड़ लगा हुआ है पीपल का, वो क्या किया जलाशय में पानी था, उस पानी की वजह से ये पेड़ का पीपल का पेड़ लग गया। ये पीपल का पेड़ देखो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखा है। ये जोड़े के जो पानी जो साइड की तरफ का है, यहाँ पे पानी बढ़ता है इधर से और इसके अंदर जाता है, अंदर जाने पे जोड़ा भर जाता है। तो कुछ समय ये ज़्यादा भी भर जाता है तो बाहर पानी आता, तो यहाँ आसपास के जो वन क्षेत्र में जो भ्रमण करने वाले पशु है पक्षी है वो भी इसमें पानी वगैरह पी लेते हुए। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन।